विगत ढाई माह से निगम के प्लेसमेंट कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, जिससे विशेष तौर पर सफाई कर्मचारी काफी आक्रोशित हैं और लगातार वेतन की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे लेकर निगम महापौर नीरज पाल ने सभी का वेतन 2 से 3 दिनों में हो जाने की बातें कही हैं। नगर पालिक निगम भिलाई जिन सफाई कर्मचारियों के कार्यों की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर कई तमगे हासिल कर चुका है, एक बार फिर उन्हीं सफाई कर्मचारियों को 2.5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और एक बार फिर इन कर्मचारियों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और यह लगातार अपनी तनख्वाह की मांग को लेकर निगम भिलाई मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों के मुख्य द्वार पर अपनी पीड़ा बताते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इन्होंने शहर भर से एकत्रित किए हुए कचरों को शहर के सड़कों पर भी फेंकना प्रारंभ कर दिया है, जिसका संज्ञान लेते हुए निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने बयान देते हुए कहा है कि इन सभी की तनख्वाह 2 से 3 दिन में करा दी जाएगी। जहाँ तक अस्थाई जो कर्मचारी है उनके वेतन की बात है, उसको भी 1-2 दिन के अंदर उसका भी निराकरण हो जाएगा। कुछ समस्या आई थी पेमेंट को लेकर, लेकिन उसका भी 1-2 दिन के अंदर आयुक्त आ जाएंगे, कुछ आवश्यक कार्य से वो बाहर गए थे, आज आ जाएंगे, 1-2 दिन के अंदर उसका भी निराकरण हो जाएगा। गौरतलब है कि इसके पूर्व निगम भिलाई के नियमित कर्मचारियों की तनख्वाह भी बकाया थी, जिनके थोड़े से विरोध के बाद उनकी तनख्वाह उपलब्ध करा दी गई, परंतु प्लेसमेंट कर्मचारियों के तौर पर कार्य कर रहे सफाई कर्मचारी आज 2.5 महीने से अपनी तनख्वाह के लिए निगम मुख्यालय के मुख्य द्वार पर आए दिन धरना प्रदर्शन करके गुहार लगा रहे हैं, परंतु इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।